गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, झाड़ू वगैरह लग चुका है, चाय पानी निपट गया है और सबका नाना धोना भी हो गया है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा और बच्चे अपने अपने लग गए हैं टाइम पास करने में, और खाना वगैरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लीनिंग सारी हो गई है, तेल बचा है, इसको मैं ठंडा हो जाएगा फिर निकालूंगी डिब्बे में। और माइक्रोवेव निकाल दिया है स्टैंड में, मैं खोल लिया है, इसको भी पैक करना है। और बाकी की भी पैकिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी पैकिंग हो चुकी है, कंप्लीट है, बैग के अंदर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बस पैकिंग सारी हो गई है। जो डेली यूज़ के हैं थोड़े, उन्हीं को रखा है ऊपर। यहाँ पर गद्दे को भी मैंने ऐसा कवर कर दिया है, साड़ी का जो कवर था वो मैंने कवर कर दिया है ताकि गद्दा गंदा ना हो, इसलिए। चलिए पहले बाल बाल बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पैकिंग की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, बस एक बार सेट हो जाएगा तो फिर अच्छे से वीडियोज आएंगे। चलिए बाल बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं बाल वगैरह बना के फिर खाना वाना खा के गई थी। बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र करना था मुझे, वो कर दिया है, ट्रांसफ़र हो गया अकाउंट। और फिर आई हूँ घर पे, कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश। तो कपड़े वगैरह चेंज करके मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पर मौसम हो गया है ठंडा, धूप तो दिख ही नहीं रही है, धूप देखने के लिए तरस गए हैं अभी यहाँ पर। तो चलिए कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं शाम को। तो ये देखिए, यहाँ पर भव्य गया था, लेकर आया पुदीना और हरा धनिया, तो बच्चों ने ही साफ़ कर दिया है। मैंने आलू वगैरह बॉईल किए हैं, छीले हैं, मसाला वगैरह, ये देखिए मसाला रेडी किया है। तब तो बच्चों ने ये हेल्प कर दिए कि धनिया और पुदीना साफ़ किया है। और यहाँ पर बूंदी का रायता बना दिया है और छाछ के पैकेट मंगा लिए हैं 2-3। और ये देखिए बच्चे कर रहे हैं धनिया साफ। और यहाँ पर मैंने बना दिया है आलू के पराठे का मसाला। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फ्राई करके ही बनाती हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है बच्चों को, वो कच्चा वाला नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है और नींबू उस पर डाल रही हूँ ताकि उसमें जो गुठलियाँ बन जाती है वो गल जाए, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वरना नमक साइड में रह जाता है, मिक्स नहीं होता है अच्छे से। तो एक नींबू ले लिया है, उसका रस डाल दिया है मैंने। और सामान काफ़ी पैक हो चुका है इसलिए बहुत कम चीज़ें बाहर हैं, तो उस हिसाब से ही किया है, क्योंकि बर्तन वगैरह भी मैंने सिर्फ ज़रूरत के ही रहने दिए हैं, बाकी सारे पैक कर दिए, एक्स्ट्रा सारे पैक कर लिए, जिस जो डेली की ज़रूरत के हैं वही रखे हैं। और बच्चों की मस्ती चालू है, गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पर, तो अच्छे लगते हैं ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पराठे। तो इसी तरीके से बना लेती हूँ मैं, बॉल रख के और उसको मिक्स कर लेती हूँ, उसी तरीके से बना लेती हूँ। और बच्चों ने ले लिया है रायता ले लिया है दोनों ने, भव्य और मिताली ने, और मान्या दही छाछ नहीं खाती है तो उसने सॉस ले लिया है, वो उसी के साथ खाएगी। चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई मैंने, धनिया और पुदीना उसमें डायरेक्ट डाल दिया पराठे में ही। पैकिंग की वजह से काफ़ी थकान आ जाती है, पूरा दिन पैकिंग में लग जाता है, एक एक चीज़ें कहाँ क्या सेट करना, किस में क्या रखना है करके, तो थकान लग जाती है, तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है मुझसे अभी फ़िलहाल। और ये देखिए, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में बना रही हूँ मैं यहाँ पर हलवा, तो भोग भी लगेगा भगवान को और नाश्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है, गुड़ डाला है मैंने हलवे में, चीनी नहीं डाली है। और यहाँ पर बादाम की कतरन रखी हुई थी तो वो डाल दी है हलवे में। रखा है बचा हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया था मैंने, तो वही। और फिर से खाना वगैरह हो गया कंप्लीट करके,
और फिर से लग गई हूँ मैं पैकिंग में। तो ये गद्दे थे, उसके कवर थे, वो पूरे गंदे हो गए थे, तो वॉश कर दिए मैंने, फिर चढ़ा के ही इनको पैक कर लूँगी, इनके ऊपर कवर कर लूँगी बेडशीट से, तो वो अच्छे से पैक हो जाएगा, तो गंदे नहीं होंगे। और बच्चे लगे हुए हैं अपने टाइम पास करने में। काफ़ी कुछ तो मैं निकाल चुकी हूँ, बस कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसे भी निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी सामान रहता है छोटा छोटा। देखने में तो ऐसे लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, हो जाएगा, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है छोटी छोटी। और ये मैंने राजमा छोले भिगो के रख दिए हैं शाम के लिए। एक रूम में मैंने एक रूम खाली कर दिया, तो उसी रूम में मैं सामान से भरती जाती हूँ जा रही हूँ और उसी में रखती जा रही हूँ। एक बेडरूम में ये सब सामान भर भर के रख रही हूँ, ताकि दूसरी जगह भीड़ ना हो। तो इस तरीके से मैंने, मेरे पास ये बैग पड़ रहे थे, कुछ पड़े थे और कुछ मैंने मंगवा लिए हैं, तो उन्हीं में इस तरीके से पैक करती जा रही हूँ सामान, क्योंकि मुझे ही करना है। कोई बच्चे वगैरह तो हेल्प नहीं कर पाते हैं इन सब में, अकेले ही करना है सब कुछ। तो काफ़ी पैकिंग में कर चुकी हूँ, पर फिर भी अभी भी बहुत कुछ बचा है पैक करने को। तो यहाँ पर मैंने कवर पड़ा था एक, तो वो निकाल लिया है, तो उनसे गद्दे को पैक कर लूँगी, तो इसलिए ही उसको देख रही थी मैं कि कितना लंबा रहेगा वो, उसी से उनको सोफ़ा कम बेड के जो गद्दे हैं उनको कवर कर लूँगी। और बारिश चालू है, देख सकते हैं मौसम आप, नीचे सब जगह पानी ही पानी है। चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, जरूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।